नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज से चैनल पर हम दिन में दो वीडियोस डालेंगे। डेली मंडे टू फ्राइडे आपको टू वीडियोस पर डे देखने को मिलेगी। एक वीडियो आपकी वर्क एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका उस पर फिक्स है, वो आपको डेली सुबह 10 बजे एक वीडियो मिलेगी वर्क एजुकेशन पर। उसके साथ ही साथ शाम को 4 बजे डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम अदर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। क्योंकि टाइम कम रह गया है इसीलिए हम एक दिन में दो वीडियोस लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कराने की पूरी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक छोटा सा है, बहुत ही इजी भी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन और हमें जानना ज़रूरी भी है। क्वेश्चन है कि असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है ताकि हम इन तीनों टर्म्स में आपस में जब कोई भी क्वेश्चन करें तो इन तीनों टर्म्स में आपस में मिक्सअप ना करें, इन तीनों टर्म्स में कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो। आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर में ये इस तरह की तीन टर्म्स देखे होंगे, असेसमेंट, इवेल्यूएशन और मेजरमेंट। काफ़ी हद तक इन तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन फिर भी इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस आया जाता है। क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में डिटेल से आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल से बने रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। आपने असेसमेंट के पेपर में तीनों टर्म्स पढ़ी होंगी। हमने पहले मेजरमेंट इवेल्यूएशन के बारे में डिटेल से हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज के में तो इस टेबल में सिर्फ ये देखेंगे इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, या कहें तो क्या डिफरेंस है, क्या क्या बातें ऐसी हैं जो इन तीनों को आपस में डिफर करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मीनिंग को लेकर। कि सबसे पहले तो यही बात करते हैं, जब भी किसी के बारे में डिफरेंस करना हो तो सबसे पहले तो हमें उनका मतलब पता होना चाहिए, उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, उनका अर्थ पता होना चाहिए। तो असेसमेंट का मतलब देखते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस। असेसमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा। असेसमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? कलेक्ट करने की, यानी कि इकट्ठा करने की, उसको रिव्यू करने की, चेक करने की और किसी भी डाटा को प्रयोग करने की। असेसमेंट क्या हुआ? एक प्रक्रिया है किसी भी डाटा का रिव्यू करने का, उसको कलेक्ट करने का, उसको रिव्यू करने का और उसको उपयोग करने का, यूज़ करने की एक प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया में क्या होता है, हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं पहले, उस डाटा को रिव्यू करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। किस लिए करते हैं हम ये सब? ताकि हम जो करंट परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? कि वर्तमान जो परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम बच्चों से संबंधित कोई भी जिस चीज़ का, जिस भी गुण का हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और उसको चेक करेंगे कि बच्चे में क्या क्या कमी है, ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। जो बच्चों में कमी है लर्निंग प्रोसेस में, उनमें हम सुधार ला सकें। ठीक है, मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट रिफर्स टू प्रोसेस। मेजरमेंट भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो रेफर करता है बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर डिटरमाइंड। मेजरमेंट में क्या होता है कि किसी भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, हम उसकी कुछ गुणों को, कुछ डायमेंशंस को, एट्रीब्यूट्स को, कुछ डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। जैसे किसी की लेंथ मेज़र कर ली, हाइट मेज़र कर ली, ठीक है, वेट मेज़र कर लिया, कि कोई हमारे पास मिल्क है वो मिल्क कितना है, ठीक है, कितने लीटर है, या वो कोई बुक है उसकी लेंथ क्या है। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट लेते हैं, उसके डायमेंशन में उसको, या कहें तो नंबर्स में उसको डिफाइन करते हैं। इवेल्यूएशन की बात करें तो इवेल्यूएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक स्टैंडर्ड्स पहले से ही सेट होता है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल के लिए, अगर हम किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की
हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पहले से एक स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड सेट है पहले से ही कि आम तौर पर एक नॉर्मल व्यक्ति की जो हाइट होती है वो 5'3" 5'5" के आसपास अराउंड होती है, ठीक है, 5'2" 5'3" 5'5" वो हमारे स्टैंडर्ड सेट हो गए। उसके बेसिस पर जब हम किसी भी व्यक्ति की हाइट मेजर करते हैं तो हाइट मेजर करने के बाद, हाइट की मेजरमेंट लेने के बाद हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, तो उस चीज़ को जो जजमेंट दे देते हैं हम साफ साफ, हम उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं, कॉन्क्लूजन निकाल देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की हमने हाइट मेज़र करी और उस व्यक्ति की हाइट जो है वो है 5 फुट, ठीक है, तो हम साथ में उसका एक जजमेंट पास कर देंगे कि जो इसकी हाइट है वो नॉर्मल हाइट से छोटी है, जो स्टैंडर्ड हमारे सेट है उनसे छोटी है। किसी की हमने हाइट मेज़र करी और उसकी हाइट पाई 6 फुट, तो हम बता देंगे कि ये तो बहुत लंबा व्यक्ति है, ठीक है, हम कह देंगे। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होता है, इसमें जजमेंट पास हो जाता है डायरेक्ट। अगर शिक्षा में, एजुकेशन में बात करें तो बच्चे के टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स में हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखते हैं कि इतने परसेंटेज आए तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे की परसेंटेज आई 70%, तो हमने कह दिया कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है। बच्चे की परसेंटेज आई 80-90%, तो हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमने उसके लिए अपना जजमेंट पास कर दिया है, एक कंक्लूजन निकाल दिया कि सामने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है कि नॉर्मल है कि वो वीक है। तो किस तरह से इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जजमेंट निकाल देते हैं। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में सिर्फ हम कमियों का पता लगाते हैं ताकि उसमें सुधार ला सके, ठीक है। ये तो हुए तीनों के अलग अलग मतलब की बात। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, जैसे कि नेचर, तीनों की प्रकृति क्या है। अब देखिए दोस्तों, मेजरमेंट अब यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा हम पहले ही ऑलरेडी जान चुके हैं, अलग से डिटेल में जान चुके हैं। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस करेंगे, तो नेचर की अगर बात करें तो असेसमेंट का जो नेचर है वो है डायग्नोस्टिक, ठीक है, हम इसका जो नेचर है वो डायग्नोस्टिक है। इसमें हम व्यक्ति की कमियों का, कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनकी कमजोरी है उनको दूर किया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके व्यक्ति को, ठीक है, उनके गुणों को और बेहतर बना सके, उनको डेवलप कर सके, इस उद्देश्य से हम असेसमेंट करते हैं। तो जो इसका नेचर है वो डायग्नोस्टिक है। अगर इवैल्यूएशन की बात करें, इसका नेचर जजमेंटल है, इसमें सुधार लाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसमें तो सिर्फ बच्चे को मेजरमेंट किया या उसका असेसमेंट किया, ठीक है। तो जो आपका इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य किसी भी तरह से सुधार लाना नहीं होता, उसका उद्देश्य केवल और केवल जजमेंट पास करना होता है, एक कॉन्क्लूजन निकालना होता है कि सामने वाला बच्चा, बालक, वो अच्छा है कि बुरा है गुणों में, उसका जो पढ़ाई में वो इंटेलिजेंट है कि नॉर्मल है, कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि एवरेज है, वो उस तरह से जजमेंट पास करना है कुल मिलाकर। बात करते हैं व्हाट इट डज, यह क्या करता है, असेसमेंट क्या करता है। असेसमेंट हमें फीडबैक प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हमें प्रतिपुष्टि देता है, हमें फीडबैक प्रोवाइड कराता है ऑन परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। उन एरिया इम्प्रूवमेंट के एरिया पर फीडबैक देता है, यानी कि बच्चों में, बालक में जिन वो एरिया जिनमें सुधार लाया जा सकता है उनके बारे में फीडबैक देता है कि ये कमी है उसमें सुधार लाया जा सकता है ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। एग्जाम्पल के लिए आपने एक मूवी सबने देखी होगी, तारे जमीन पर, उसमें जो हीरो होता है वो क्या करता है, बच्चे के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। सबसे पहले जब उसको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है, उसकी सारी कॉपीज को चेक करता है, उसके घर जाता है, उसके पेरेंट्स से बात करता है, प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है, तो डाटा इकट्ठा करता है, उनका रिव्यू करता है ताकि वो उसमें जो कमी है बच्चे में, ये गड़बड़ क्यों है, क्या कमी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उस बच्चे में सुधार ला सके, ठीक है। यही तो होता है पूरी मूवी में, तो यही था उसमें कि वो डाटा, वो असेसमेंट करते हैं ताकि बच्चे की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। अब आपने देखा होगा उसमें एक सीन था कि वो अपने प्रिंसिपल को बताता है कि इसमें इस तरह से इस बच्चे में ये कमी है, तो प्रिंसिपल क्या करता है, वो उसमें सुधार लाने की तो कोशिश नहीं करता, वो डायरेक्ट जजमेंट पास कर देता है, कंक्लूजन निकाल देता है कि हाँ ठीक है, हम इसको इस तरह से कह देंगे कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और इसको अलग स्कूल में भेज देंगे। तो उसने अपनी तरफ से जजमेंट पास कर दिया कि ये बच्चा मंदबुद्धि है या ये बच्चा औरों से अलग है। तो असेसमेंट क्या करता है, वो बच्चे के जहाँ सुधार हो सकता है उन एरिया के बारे में बताता है कि जो कमियाँ हैं वो बताता है,
ठीक है। और अवेल्युएशन क्या करता है, इवेल्युएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ये सिर्फ इतना बताता है कि हमारे उद्देश्य किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, किस स्तर तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी ये नहीं बताता कि क्या कमी है, ये सिर्फ इतना बताता है कि हमने अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर लिया, ठीक है। हमने कुछ पढ़ाया, उसके बाद एग्जाम लिए, लास्ट में जब ईयर के बाद एग्जाम लिए, उसके बाद जब रिजल्ट आता है आपके हाथ में, तो सिर्फ ये बताता है कि हमने अपने उद्देश्य को सब प्राप्त कर लिया है। हमारे क्लास के इतने परसेंट बच्चे अच्छे तरह से पास हो गए हैं, हमारे क्लास का रिजल्ट इतना रहा है, ठीक है। पर्पस की अगर बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो असेसमेंट का पर्पस फॉर्मेटिव होता है और वैल्यूएशन का पर्पस समेटिव होता है। फॉर्मेटिव समेटिव का मतलब है, फॉर्मेटिव तो ये हुआ कि प्रोसेस के बीच में, जब आप लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, शिक्षण करते रहते हैं, उसके बीच में ही इसको हम करते रहते हैं, असेसमेंट करते रहते हैं, बच्चों के बारे में उनकी कमियों का पता लगाते रहते हैं। जिस समय लर्निंग प्रोसेस चल रहा है क्लास के दौरान, उसी समय हम ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही असेसमेंट करते हैं। इवेल्युएशन अगर बात करें, तो जब लर्निंग प्रोसेस आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है साल के एंड में, जब आपका जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनको हम कहते हैं समेटिव, जब पूरे साल का एक साथ इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है, तो वो तो हुआ इवेल्युएशन। और जब हम लर्निंग प्रोसेस के टाइम में ही, जिस टाइम पे प्रोसेस चल रहा हो, उसी टाइम में धीरे धीरे कुछ कुछ समय के पश्चात हम बच्चों के बारे में उनका छोटे छोटे टेस्ट ले सकें, या ओरल टेस्ट लेते रहें, बच्चों के बारे में ऑब्जर्वेशन करके किसी भी तरीके से हम सिर्फ ये पता लगाते रहें कि बच्चे में किसी क्या कमी है या क्या एरिया वीक है उसको, ताकि इम्प्रूव किया जा सके। ओरिएंटेशन की बात करें, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड है और ये प्रोटेड असेसमेंट आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है, और जो इवेल्यूशन है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है क्योंकि ये प्रोसेस के टाइम पर ही, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान ही ये चलता रहता है। और जो इवेल्यूशन है, ये सिर्फ प्रोडक्ट करता है, इसमें ये प्रोसेस के टाइम पर नहीं, लास्ट में सिर्फ कंक्लूजन निकाल देता है। फीडबैक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनके बेसिस पर हम इसका फीडबैक देते हैं। बेस्ड इवेल्यूएशन की बात करें, तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड। इनका हम फीडबैक किस उद्देश्य, किस आधार पर देते हैं, इनका फीडबैक हम देते हैं जो हमने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उनसे कंपेरिजन करके, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पार्टीज, अब रिलेशन की बात करें, तो रिलेशन असेसमेंट में होता है रिफ्लेक्टिव और इवेल्यूएशन में होता है प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। क्राइटेरिया सेट बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली, जो दोनों पार्टीज होती है दोनों के द्वारा जॉइंटली, दोनों के द्वारा एक समान रूप से सेट किया जाता है क्राइटेरिया। और जो इवेल्यूएशन में होता है, वो सिर्फ इवेल्यूएशन जो कर रहा है उसी के द्वारा ही ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड की बात करें, तो इसमें ऑब्सोल्यूट होता है और इसमें कंपैरेटिव होता है, यानी कि हम किसी जो हमने जो कंपैरिजन होता है, इसमें जो हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके आधार पर कंपैरिजन होता है, या जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों में कंपैरिजन कर रहे हो कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से अच्छा है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से इंटेलिजेंट है, जब हम आपस में दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन करें, या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके साथ कंपैरिजन करें, तो इसमें कंपैरिजन होते हैं, इसमें एब्सोल्यूट होता है। तो कुल मिलाकर यह आपका था डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट इवेल्यूएशन एंड मेजरमेंट। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक कन्फ्यूजन यहाँ पर रहेगा मेजरमेंट और इवेल्यूएशन के बारे में, कि इनके बीच के जो डिफरेंस है वो काफ़ी नहीं है, वो इसलिए मेजरमेंट इवेल्यूएशन के पहले से हम सारी डिटेल में जान चुके हैं। मेजरमेंट में सिर्फ हम किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेजर करके एक वैल्यूज में, यूनिट्स में, नंबर्स में डिफाइन कर देते हैं, और इवेल्यूएशन आप सब जाने गए हैं कि व्यक्ति के हर गुणों का इवेल्यूएशन हम कर सकते हैं, कि व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कि इंटेलिजेंट है, कि किस तरह से है, ठीक है। जो मेजरमेंट होता है वो आपके इवेल्यूएशन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, आप बस इतना समझ लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मेजरमेंट होता है वो आपके पूरे इवेल्यूएशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जब उसका एनालाइज निकालते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तब हमारा इवेल्यूएशन वो बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।